कि तीन पूर्व निर्दलीय विधायकों ने भी आज दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ये तीन निर्दलीय विधायक भी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसमें होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा का नाम शामिल है। इन तीनों ने बीते रोज ही शिमला में विधानसभा सचिव को अपना त्यागपत्र सौंपकर विधायक पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद ये तीनों दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में आज औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। इन तीनों विधायकों के त्यागपत्र के बाद अब हिमाचल में खाली विधानसभा सीटों की संख्या 9 हो गई है। आज हमें मौका मिला कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ाएंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में हम जो है कार्य करेंगे। जब तक हम इंडिपेंडेंट थे, हमारे पर एक लगाम थी कि हम एज इंडिपेंडेंट हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते, तो हमने निर्णय लिया कि हम अपना अपनी पोस्ट को त्याग करके हम जो है भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने इन सभी का भाजपा में आने पर स्वागत किया है। तीन माननीय निर्दलीय विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उस दल में आकर आप शामिल हुए हैं और आप एक बड़े परिवार, मोदी के परिवार का हिस्सा बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बने हैं। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धर्म, प्रदेश में कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, एक बार फिर बड़ा झटका कांग्रेस को मिला है। प्रदेश की राजनीति में अब इसके क्या समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, जिस तरह जो बागी विधायक हैं उन्होंने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है। जी धर्म, बिल्कुल हिमलता, समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं क्योंकि जितने भी बागी विधायक कांग्रेस के थे, जिन्हें स्पीकर की तरफ से योग्य ठहराया गया था, वो अब औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ तीन निर्दलीय विधायक जिन्होंने कल ही विधानसभा पहुंचकर अपना इस्तीफा विधानसभा सचिव को दिया था, वो भी आज औपचारिक रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी 9 पूर्व विधायक जो बीजेपी से विधायक नहीं थे, वो अब भाजपा में जा चुके हैं। तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान, जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है, वो प्रदेश में कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के सिटिंग विधायक जब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में, खासकर जब ऑपोजिशन में शामिल होते हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी अंदरूनी तौर से कमजोर होती ही है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस का वैसे भी बीते दिनों का अगर देखा जाए, वहां पर बयानबाजी का दौर शीर्ष नेताओं का, तो उससे कांग्रेस में आपसी कलह, आपसी फूट, अंदरूनी जो उथल पुथल है, वो जाहिर तौर पर सबके सामने है, सबको ज्ञात है, सबको पता है। तो ऐसे में इन सभी 6 जो बागी अयोग्य ठहराए गए विधायक हैं, इनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी। 25 दिन से ये प्रदेश से बाहर थे, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी पंचकुला, फिर ऋषिकेश होते हुए दिल्ली पहुंचे, और पिछले कई दिनों से दिल्ली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनसे मुलाकात की कोशिश की जा रही थी। फिर बीते रोज पूरा इस पर जो फैसला हुआ, आखिरी फैसला ले लिया गया, और आज अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में इन सभी विधायकों ने, सभी पूर्व विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो अब प्रदेश में जो खाली विधानसभा सीटों की संख्या है वो 9 हो गई है, और बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, और ऐसे में अब आसार यही है कि आने वाला जो 1 जून है, जब लोकसभा के चुनाव को लेकर मतदान होना है, तो हो सकता है कि 6 विधानसभा की जो खाली सीटें हैं उन पर भी चुनाव हो, और साथ ही साथ जो 3 खाली सीटें नई हुई हैं उसको लेकर भी चुनाव आयोग जल्दी ही उपचुनाव को लेकर, बाय इलेक्शन को लेकर घोषणा कर सकता है। बिल्कुल 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 धर्म, बिल्कुल ये संभव है कि अभी जिस तरह से 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है, तो आने वाले समय में जो 9 अब जो संख्या है खाली विधानसभा सीटों की हो गई है, तो उन पर भी उपचुनाव की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।